हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एंड सेफ एट योर होम। आई एम योर राइटिंग टीचर नीलम फ्रॉम द विस्डम स्कूल सिरसा। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी राइटिंग। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन वन फिंगर एक्सरसाइज। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अगेन दोज फिंगर एक्सरसाइज एंड न्यू एंड डू वन मोर न्यू फिंगर एक्सरसाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हमने जो फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज की थी उसी की एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक न्यू फिंगर वन न्यू फिंगर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो अब सर्दियां भी हैं, है ना, विंटर चल रही हैं, तो हाथ हमारे बिल्कुल ठंडे ठंडे होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अगर उन फिंगर एक्सरसाइज की कोई भी रिटर्न वर्क अपना स्टार्ट करने से पहले अगर हम 5-10 मिनट्स उन फिंगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो हमारे फिंगर्स हैंड वार्म हो जाते हैं और अच्छे से हम अपना वर्क राइट कर पाते हैं। ठीक है, और हमारी फिंगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी होती है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन फिंगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अपनी राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Firstly, join your finger like this and roll your finger one or another, starting with thumb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with index finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with middle finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with ring finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with pinky finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. इस फिंगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के बाद सेकेंड जो फिंगर एक्सरसाइज है वो हमारी है, क्या करना है आपने, ज्वाइन योर हैंड लाइक दिस के एंड जंप योर फिंगर वन और अनदर, स्टार्टिंग विद थंब. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with index finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with middle finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with ring finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now with pinky finger. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? इन टू फिंगर एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आपने अपना कोई भी रिटन वर्क स्टार्ट करने से पहले करनी है. Okay? Now we will do our writing. Let's start. Shall we start? Student, this is our English writing book, my writing book. Now open it. Open page number 13, 1313. We are doing page number 13. In previous video, we have done half page. Now we will do rest of half page. Page number 13 का half page हमने previous video में किया था. अब हम इस page को complete करेंगे. Okay? इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. बच्चे इस सेंटेंस को, जिनकी ये नोटबुक कंप्लीट है, जिनकी ये बुक कंप्लीट है उन्होंने नोटबुक में राइट करना है, और जिनकी अभी तक ये बुक्स कंप्लीट नहीं है उन्होंने इसी बुक में इस सेंटेंस को राइट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज a great country. Write again. India is a
ग्रेट कंट्री ओके बेटा, आपने पेज नंबर 13 कंप्लीट करना है, लेकिन जिनका कंप्लीट है उन्होंने इस सेंटेंस को 5 टाइम अपनी नोटबुक में राइट करना है, बिल्कुल इसी तरह नीट एंड क्लीन वे में स्पीक करते हुए, ताकि आपकी स्पीक रीडिंग भी अच्छी हो जाए बेटा। रीड करते हुए जब आप राइट करते हो ना, तो आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और राइटिंग भी। ओके, नाउ वी विल डू आर हिंदी राइटिंग। स्टूडेंट, दिस इज़ आर हिंदी राइटिंग बुक, सुलेख माला। नाउ ओपन इट, ओपन पेज नंबर 30, 30। वी आर डूइंग पेज नंबर 30। बेटा पेज नंबर 30 से पहले सारी मात्राओं के शब्द दिए हुए थे, तो वो आपने खुद करनी है। वैसे ऑलमोस्ट बच्चों की ये कंप्लीट हो चुकी है, बट जिनकी नहीं भी हुई है, तो आपने उन मात्राओं की रीडिंग करते हुए उन शब्दों को राइट करना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपने, मैंने पेज नंबर 30 से आपको वाक्य लेखन अभ्यास स्टार्ट कराया, तो आपने साथ साथ इसे भी करना है। ओके, प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, पेज नंबर 30 का हाफ पेज हमने किया था, अब जो हाफ पेज रह गया हम वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चों ने सेम उसी तरह जिनकी कंप्लीट है ये बुक, उन्होंने अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुरु जी का सदा मान करो। गुरु जी का सदा मान करो। राइट अगेन, गुरु जी का सदा मान करो। राइट अगेन, गुरु जी का सदा मान करो। ओके, पेज नंबर 30 आपने कंप्लीट करना है, और इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को आपने 5 टाइम अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वे में राइट करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।